पाठ नंबर 6 साढ़े आले दुआले दी परिवर्तन। मैक ने एक गुब्बारे विच हवा भरी जिस करके गुब्बारे का आकार ते शकल बदल गया। एक किस तरह का बदलाव है? भौतिक अते उलटाउण योग, ऊड़ा अते ईड़ी दोवें। पेंसिल नूं तिखा करन दे इस दी लंबाई घट जाती है। ये किस तरह का परिवर्तन? ये परिवर्तन उलटाउण योग है? नहीं, क्योंकि एक बार पेंसिल शॉर्प कर ली फिर आप दोबारा फिर वड्डी पेंसिल अपन नहीं मिल सकती। दर्पण का टुटना किस किस्म का परिवर्तन है? भौतिक। राहुल ने एक कागज़ के टुकड़े को मोड़ के उसका हवाई जहाज बनाया। हुण उसने कागज़ को दोबारा सीधा कर लिया। ये किस किस्म का परिवर्तन है? हमेशा उलटाउण योग। एक मिट्टी के पक्के घड़े नूं किस किस्म का परिवर्तन कह सकते हाँ? ना उलटाउण योग। एक मिट्टी के पक्के घड़े नूं किस किस्म का परिवर्तन कह सकते हाँ? ना उलटाउण योग। सीमा ने कपड़े धो के तार ते पा दिते, की गिले कपड़िया में पानी सुक जाएगा? यह किहड़ा परिवर्तन होगा? पानी सुक जाएगा, उलटाउण योग परिवर्तन। होली के त्यौहार के मौके पर लाल गुलाब के फुलों तो गुलाल बनाया जाता है, कि गुलाल तो दोबारा गुलाब के फुल बन सकते हैं? यह किहड़ा परिवर्तन होगा? नहीं, ना उलटाउण योग। सोनू ने अपने भरा खेडन लिए कागज़ की किश्ती बना के दी, यह किहड़ा परिवर्तन होगा? उलटाउण योग परिवर्तन। बरसात समय बदलों तो पानी धरती से डिगदा है, कि पानी तो दोबारा बदल बन सकते हैं? यह किहड़ा परिवर्तन होगा? हाँ, उलटाउण योग। जल्दी हुई मोमबत्ती किस तरह का परिवर्तन है? मोम पिघल जाएगी, उलटाउण योग। कपाह के बूटे तो डैश मिलती है, उस तो सूत का धागा बनता है, धागे बुन के डैश तैयार किया जाता है, दर्जी उस तो डैश बनाता है। खाली थावां भरो, कपाह कपड़ा, तीजी खाली थां च पोशाक। की उबले अंडे नूं दोबारा कच्चे अंडे विच बदल सकते हाँ? यह किहड़ा परिवर्तन होगा? नहीं, ना उलटाउण योग। ज़्यादा हवा भरन कारण गुब्बारा फट गया, फटिया गुब्बारा किस तरह का परिवर्तन है? ना उलटाउण योग। कागज़ में जलाउण ते उस विच आया परिवर्तन किस तरह का है? ना उलटाउण योग परिवर्तन। गुन्ने हुए आटे तो एक पेड़ा बनाया, फिर उस तो एक रोटी वेली जिवें कि चित्र विच दिखाया गया है, यह किस तरह का परिवर्तन है? उलटाउण योग। वेली हुई रोटी नूं तवे ते सेकिया जिस नाल रोटी पक गई, यह किस तरह के परिवर्तन है? ना उलटाउण योग। एक चम्मच नमक पानी विच मिला के घोल तैयार करो, यह एक उलटाउण योग परिवर्तन है। नमक नूं पानी तो किस विधि नाल वख करोंगे? वाष्पीकरण करके। घोल नूं गर्म करांगे तो अपने कोल नमक दोबारा वापस आ जाएगा। रमेश की लत टुटन ते डॉक्टर ने सफेद रंग की पट्टी कर दिती सी जो छून विच सख्त सी, ये सख्त पदार्थ की हो सकता है? प्लास्टर ऑफ पैरिस। दुध तो दही बनाना ये किस तरह का परिवर्तन है? ना उलटाउण योग। दुध तो पनीर बनाया गया है, ये किस तरह का परिवर्तन है? अपरतवा परिवर्तन। हेठां दिखाए गए चित्र विच किहड़ा ना उलटाउण योग परिवर्तन है? कागज़ नूं कट के उहदे विचों जहाज़ की शेप कट ली, हुण दुबारा फिर आपां नूं पहलां वांग कागज़ नहीं मिल सकता। इस चित्र विच किहड़ा परिवर्तन दिखाया गया है? उलटाउण योग परिवर्तन। मोमबत्ती पहलां जगदी सी, उहनूं बुझाता, मोमबत्ती नूं आपां दुबारा फिर बुझा सकते हैं, यानी कि उलटाउण योग परिवर्तन। मोमबत्ती आप दोबारा फिर बुझा के जला सकते हैं।
पानी नूं लगातार गर्म करन ते पानी डैश विच बदल जांदा है जलवाष्पां विच। पदार्थां विच परिवर्तन किवें हो सकदा है? गर्म करके दबाव पा के होर पदार्थां नाल मिला के उपरोक्त सारे। दुध तो दही बनाउण लई दुध नूं डैश करना जरूरी है। कोसा। पाठ नंबर 7 पौद्यां नूं जाणो। फस्ट क्वेश्चन, पौधे का किहड़ा भाग मिट्टी के अंदर हुंदा है? जड़ां। जे किसी पौधे दीयां जड़ां नूं कट दित्ता जावे तां उस पौधे ते की असर होवेगा? पौधा सुक जावेगा। पौधे का डैश भाग है जड़ां। हेठां दर्शाए चित्र विच किस किस्म दी जड़ है? मुसल जड़। पौधे का किहड़ा भाग मिट्टी के खोरन नूं रोकदा है? जड़ां। इन्हां विचों किस पौधे दीयां जड़ां रेशेदार हुंदियां हन? कनक, मक्की, अंब, ऊड़ा ते ऐड़ा दोनों दीयां। इन्हां विचों किहड़ा जड़ है? गाजर, आलू, प्याज, अदरक, गाजर। फुल दीयां रंगदार पत्तियां नूं की कहिंदे हन? पंखड़ियां। बीज अंड फुल दे किस भाग विच पाए जांदे हन? इस्त्री केसर। हेठां दित्ते चित्र नूं पहचानो, इह की है? स्टोमेटा। पौधे नूं धरती विचों खिंचण विच बहुत जोर लगाउणा पैंदा है, क्यों? जड़ां मिट्टी नूं पौधे नूं मिट्टी विच जकड़ के रखदियां हन। गाजर एक डैश दी उदाहरण है, मुसल जड़। रेशेदार जड़ां विच डैश जड़ हुंदी है, डैश जड़ नहीं हुंदी, मुख। पौधे विच जड़ां दा मुख काम है मिट्टी विचों पानी चूसना, पौधे नूं मिट्टी विच जकड़ के रखना। उपरोक्त दोनों ऊड़ा ते ऐड़ा दोनों सही है। फुल पौधे दा डैश है प्रजनन अंग। परागण फुल दे किस भाग विच मौजूद हुंदे हन? पराकोश। पुंकेसर फुल दा केड़ा भाग है? नर भाग। इस्त्री केसर फुल दा केड़ा भाग है? मादा भाग। फुल फल अते बीज पौधे दा केड़ा भाग हन? कायक, प्रजनन, ऊड़ा अते ऐड़ा दोवें। केले दे पौधे विच डैश जड़ां हुंदियां हन? मुसल जड़। गाइनोसियम दा दूजा नां की है? पिस्टल। पंखड़ियां की हन? रंगदार पत्तियां। इस्त्री केसर दे किहड़े किहड़े भाग हन? अंडकोश, वर्तिका, वर्ती, कागर। इन्हां विचों विलक्षण लभो, आलू, गाजर, मूली। हेठां लिखियां विचों किहड़ा पौधे दा भाग है? फुल, फल, पत्ते, उपरोक्त सारे। पौधे दा किहड़ा भाग सानूं इस नूं सीधा खड़ा रखदा है? तना। पौधे पानी अपने किस भाग तों प्राप्त करदे हन? जड़ां। आम दा तना किस किस्म दा हुंदा है? सख्त। हेठ लिखियां विचों किहड़े पौधे दी किस्म है? बूटी, झाड़ी, रुख, उपरोक्त सारी। हरे अते नरम तने वाले पौधे की खवाउंदे हन? बूटी। डैश विच तना सख्त हुंदा है? झाड़ी। कुछ पौधे बहुत उच्चे हुंदे हन अते इन्हां दा तना सख्त अते गूढ़े भूरे रंग दा हुंदा है, इन्हां नूं डैश कहिंदे हन? रुख। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये आस पास के ढांचे के सहारे उपर चढ़ जाते हैं, इन्हां नूं की कहिंदे हन? वेलां। पत्ते दा वह भाग जिस नाल वह तने नाल जुड़िया हुंदा है? डंडी। टमाटर पौधे दा तना किस किस्म दा हुंदा है? हरा, नरम, दोनों। नींबू किस किस्म दा पौधा है? झाड़ी। पत्ते उत्ते बनियां लकीरां नूं की कहिंदे हन?
ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ। ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਰੇਖਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਸ਼ਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਬਣੇ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ। ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ। ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਲੀਦਾਰ ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦਾ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਵਾਸ਼ਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਵਾਸ਼ਪੁੱਤ ਸਰਜਨ। ਪੌਦੇ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਪੌਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੱਚੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਪਾਣੀ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਨਿਸ਼ਾਸਤਾ। ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੱਕੜ, ਪਾਣੀ, ਫਲ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਪੌਦੇ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਪੌਦੇ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਛੱਡਦੇ ਹਨ? ਆਕਸੀਜਨ। ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਪੁੱਤ ਸਰਜਨ ਕਿਸ ਅੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਟੋਮੈਟਾ।